हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आप सभी को मोबाइल में बीट आईक्यू की सहायता से टैग रैंकिंग को चेक करना सिखाया था, जो कि उस वीडियो पर आप सभी का प्यार और सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा। और आप में से काफ़ी लोगों का ये डिमांड है कि बीट आईक्यू की सहायता से कंप्यूटर या फिर पीसी में किस तरीके से हम अपने टैग को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनली आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि बीट आईक्यू की सहायता से कंप्यूटर या फिर पीसी में अपने वीडियो के टैग रैंकिंग को किस तरीके से आप चेक कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल, आप देख रहे हैं मॉनिटर कौशल, नॉट फॉर बेट मॉनिटर। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से मोबाइल में बीट आईक्यू से टैग रैंकिंग को चेक करने के लिए बीट आईक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होता है, सेम उसी तरीके से कंप्यूटर और पीसी में बीट आईक्यू की सहायता से टैग रैंकिंग को चेक करने के लिए आपको ब्राउजर में बीट आईक्यू का एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा। ठीक है, बीट आईक्यू एक्सटेंशन को ऐड करने के लिए आपको अपने पीसी में क्रोम ब्राउजर को ओपन करके यहाँ सर्च बार में bitiq.com टाइप करके सर्च करना होगा। जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को नजर आएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। अब आपको यहाँ इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आप यहाँ पर बीट आईक्यू की वेबसाइट पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर आपके ब्राउजर में एक्सटेंशन को ऐड किया जा सकता है। सिंपली बीट आईक्यू एक्सटेंशन को ऐड करने के लिए इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ ऐड क्रोम पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर चेकिंग चलेगी। उसके बाद यहाँ पर परमिशन देंगे, ऐड एक्सटेंशन क्लिक करेंगे तो ये आपका एक्सटेंशन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, डायरेक्ट यहां पर आप पहुंच सकते हैं। डाउनलोड हो जाने पर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा, यानी कि आप यहां पर देख सकते हैं रिमूव फ्रॉम क्रोम नज़र आ रहा है। अब यहां ऊपर की तरफ राइट साइड में एक्सटेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो जस्ट में अभी एक्सटेंशन ऐड किया वो नज़र आएगा, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन बीट आईक्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा। फिर आपको बीट आईक्यू में साइन इन हो जाना है। ध्यान रहे, आप यहाँ पर उसी जी मेल आई डी से लॉग इन कीजिए जिससे आपका चैनल बना हुआ हो। उसके बाद आपको अपने YouTube पर आना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पॉपअप के रूप में बीट आईक्यू आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिखा रहा है, तो सिंपली आपको डिसमिस कर देना होगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं बीट आईक्यू का इंस्ट्रक्शन ऐड हो चुका है, जो कि आपको शॉर्टकट कुछ फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। टैग रैंकिंग को चेक करने के लिए आपको यूट्यूब स्टूडियो में आना होगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे तो बीट आईक्यू का जो इंस्ट्रक्शन वाला फीचर्स है यहाँ ऊपर कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। इसके ऊपर यहां पर कर्सर ले जाएंगे तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि आपको यहां पर कुछ इस तरीके से शो होगा। वैसे तो इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं, यदि आप कहेंगे तो हम आपको अगले वीडियो में अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद किसी एक वीडियो को सिलेक्ट करके उसके डिटेल्स वाले सेक्शन में आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन यानी कि नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके वीडियो का SEO स्कोर क्या है और आपके वीडियो का परफॉर्मेंस क्या है, किस तरीके से डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीट आईक्यू की तरफ से आपके वीडियो का टैग रैंकिंग कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ देख सकते हैं कुछ कीवर्ड सजेस्ट करते हुए नज़र आ रहा है, यानी कि ये सब कीवर्ड भी सर्च रैंक पर आ रहा है, जो कि आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने सीखा किस तरीके से कंप्यूटर में बीट आईक्यू की सहायता से टैग रैंकिंग को चेक किया जा सकता है। यदि आप बीट आईक्यू की और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना राय दे सकते हैं, जिससे कि हम आपके पसंद का अगला वीडियो ला सकें। मिलेंगे फिर किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ इसी चैनल के माध्यम से, तब तक के लिए